Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Mahak and in this video we will discuss about methods of psychology. हमने थोड़ा सा रिकैप दूंगी मैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, बाकी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, साइके एंड लोगस, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। और जो साइके और लोगस है, साइके का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो इसका अर्लियर मतलब ये बना था कि ये स्टडी ऑफ सोल होती है, ठीक है। उसके बाद हमने दो तीन डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें हमने बेसिकली ये कहा था कि जो ये है साइकोलॉजी, ये स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स है, ठीक है। फिर हमने इसका नेचर पढ़ा था कि जो इसका नेचर है वो क्वाइट साइंटिफिक होता है और वो मतलब कि इफेक्टिव रिलेशनशिप्स पे बिलीव रखता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ता है। और हमने इसमें देखा था कि वो फ्यूचर्स वगैरह के बारे में भी प्रिडिक्ट कर पाता है। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी बताऊंगी इसमें कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। सो स्टे फोकस, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी होता क्या। जो साइकोलॉजी की टर्म है, साइकोलॉजी इज टर्म्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बिहेवियर। सम टाइम मेथड्स आर यूज्ड ऑफ टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर दैट आर। तो इन्होंने बोला है कि साइकोलॉजी की जो टर्म है वो है साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन एंड एनिमल्स की, हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें हमने मतलब कि कुछ अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके उनके बिहेवियर को पढ़ने का, स्टडी करने का तरीका निकालना है। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है जो मेथड, ये हमारे पास है सिक्स टाइप्स के मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड फोर्थ है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। फिफ्थ है सर्वे मेथड एंड सिक्स्थ है जेनेटिक और डेवलपमेंट मेथड, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है IOS ECG। ECG एक प्रोसीजर है, उसके आगे IOS एज ए सिंबल लगा दिया, जैसे कंपनी का होता है ना, जैसे LPG वगैरह के ऊपर आता है, तो जस्ट लाइक वैसे। सो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, IOS ECG। I फॉर इंट्रोस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड S फॉर सर्वे, और E फॉर एक्सपेरिमेंटल, C फॉर क्लिनिकल और G फॉर जेनेटिक्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। जो ये मेथड है इसका बेसिकली मतलब यही है, टू नो अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में जानो कि हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ये हमारी साइकोलॉजी का बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना मेथड है। और इसका सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वर्ड इज टू लुक विद इन, कि अपने अंदर झांक के देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इनर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पर्सन्स। क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इनर फीलिंग, कि हम किसी की अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो नहीं जान सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पर्सन, कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हम वो नहीं पहचान सकते, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि हेयर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ऑब्जर्व हिज ऑन फीलिंग और बिहेवियर। इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कि जो पेशेंट है उसे आस्क किया जाता है, पूछा जाता है कि तुम अपने अंदर ऑब्जर्व करो, अपनी जो तुम्हें जैसा फील हो रहा है करंटली उस बारे में तुम बताओ, अपना जो बिहेवियर है तुम्हारा, तुम्हारी जो ऑन फीलिंग्स है उसके बारे में हमें बताओ, ठीक है, एक्सप्लेन करो। वो ऐसे में पूछा जाता है पेशेंट से। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है, अ पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन मे बी आस्क टू रिपोर्ट हाउ ही फील। द पेशेंट विल ट्राई टू लुक विद इन एंड रिकॉल व्हाट हैपेंड। दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प फॉर बेटर ट्रीटमेंट। क्या कहा है इन्होंने एग्जाम्पल में बोला है कि जो एक पेशेंट है उसका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद हम उसे एक रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, तो रिपोर्ट पूछने के लिए हम उसे पूछ रहे हैं कि हाउ ही फील, उसे कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो जो पेशेंट है वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, अपने अंदर झांकेगा, अपने बारे में बताएगा कि मेरे साथ अभी करंटली हो रहा क्या है, मुझे कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो उसके फर्दर ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करेगी, ताकि हम उसे बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो जो ये मेथड है इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेजेस। तो इसके जो एडवांटेजेस है वो है कि ये जो मेथड है इट इज़ द फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी, की एक फंडामेंटल मेथड है। नेक्स्ट वन इज कि इट गिव अस डायरेक्ट इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आर मेंटल प्रोसेस, कि ये हमें एक तो ये डायरेक्ट है, एक ये इमीडिएट है, और ये हमें एग्जैक्ट नॉलेज देता है कि जो हमारे मेंटल प्रोसेस हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने बोला है कि इट हेल्प अस टू फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि ये हमारी हेल्प करता है कि हम अच्छे से समझ सके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिस मेथड इज इजी एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अपरेटस एंड लैपटॉप। जो ये मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कोई अपरेटस नहीं चाहिए होता, कोई लैपटॉप नहीं होता, ये मेथड बहुत आसान है, इजीली परफॉर्म हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, ठीक है। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो इसके डीमेरिट्स ये हैं कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रंस, एनिमल्स एंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स। क्या बोला है कि जो ये मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है चिल्ड्रंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर। चिल्ड्रंस मतलब बच्चे, एनिमल्स जानवर हो गए, और मेंटली रिटार्डेड मतलब जिनको मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर, क्योंकि वो जो हैं ये अपने अंदर झांके हमें एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि इनका बिहेवियर कैसा है, ये क्या फील कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और था कि सेल्फ इवेल्युएबल, नो अदर पर्सन कैन जज इट, मतलब कि ये जो मेथड है इसमें जो पेशेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो सेल्फ इवेल्युएट कर सकता है, मतलब खुद ही बता सकता है, इसमें कोई नर्स या कोई दूसरा एक्सपर्ट नहीं उसको जज कर सकता। तो मतलब कि इसमें हम जज नहीं कर सकते, हम उसी के ऊपर फुली डिपेंडेंट होते हैं जो सब्जेक्ट है, इसलिए ये डीमेरिट में भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन द हॉस्पिटल नर्स मेक एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ पेशेंट। क्या कहा है कि जो नर्स है हॉस्पिटल्स के अंदर वो ऑब्जर्व करती है पेशेंट के टेम्परेचर को, उसके पल्स को, उसके ब्लड प्रेशर को और उसका फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब उसको, उसकी कंडीशन पेशेंट की वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सब कुछ ऑब्जर्व हो रहा होता है। इसके मेरिट्स क्या हैं कि इट इज़ नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल मेथड, ये नेचुरल है और फ्लेक्सिबल मेथड है, ठीक है। और द डाटा विच इज स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशंस कैन बी एनालाइज टू स्टडी, जो डाटा इसमें स्टडी किया जा रहा है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उसे हम बाद में स्टडी करने के लिए एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है कि देयर आर चांसेस ऑफ सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स, कि हम खुद से भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि या कुछ वो होते हैं ना लाइक काम चोर टाइप, तो उनके अकॉर्डिंग बोला गया कि इसमें सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वर मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम एंड एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, अब एक नर्स है एक वार्ड में और 10 पेशेंट होएंगे, तो उसने 10 पेशेंट्स के ऑब्जर्व करने, उसके वाइटल्स लेने, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। इसलिए इसमें डीमेरिट है कि जो ऑब्जर्वर है मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम, कि उसका ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट थर्ड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये एक साइंटिफिक मेथड है साइकोलॉजी का, इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ साइकोलॉजी। द वर्ड एक्सपेरिमेंट कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड मीन्स पुट टू टेस्ट, एक लेटिन वर्ड से आया एक्सपेरिमेंट वर्ड जिसका मतलब है पुट टू टेस्ट, ठीक है, कि टेस्ट के लिए भेजा जाए। इसमें कुछ एसेंशियल फीचर्स आते हैं, वो है फर्स्ट कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है शुड बी डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस, कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल कंडीशंस के अंदर ही कंडक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू पर्संस, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कम से कम दो पर्संस की जरूरत होती है। इसके कुछ मेरिट्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इट इज साइंटिफिक मेथड, कि ये साइंटिफिक मेथड है। नेक्स्ट इज इन दिस मेथड रिपीटेशन इज पॉसिबल, और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम किस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस मेथड को रिपीट करते हैं, तो इसलिए इस मेथड में रिपीटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट्स आर क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो रिजल्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो उसके सेटअप पे सब पे पैसा लगता है,
दैट्स वाई इट इज़ कॉस्टली एंड द टाइम कंज्यूमिंग मेथड. इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिपीटेशन होएगी, तो एवरेज रिजल्ट निकालने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ हमारा जो मेथड है वो है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड. ठीक है. दैट इज इट इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर डिजीज. क्या कहा गया है, जो क्लिनिकल मेथड है हमारा या केस हिस्ट्री मेथड है उसमें जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी पर्टिकुलर डिजीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन ली जाती है. ठीक है. इट मे इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन चाइल्डहुड प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री. जो ये इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जो वो पर्सन है उसके चाइल्डहुड, उसकी प्रेजेंट और उसके पास्ट हिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है. ठीक है. दिस मेथड इज यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. जो ये मेथड है ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू यूज किया जाता है. इन दिस टेक्निक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ इंडिविजुअल पेरेंट्स, मेंबर्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड ऑल अदर इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स. जो ये टेक्निक है केस हिस्ट्री मेथड, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल की मेमोरी से कलेक्ट की जाती है, पेरेंट्स की मेमोरी से कलेक्ट की जाती है और जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी मेमोरी से कलेक्ट की जाती है एंड फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब से जो इंडिविजुअल है उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट कलेक्ट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद इसके हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं. सो मेरिट्स आर इट गिव्स द कोज ऑफ प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. जो ये हमारा केस हिस्ट्री मेथड है ये हमें प्रॉब्लम का कोज बताता है और ये हमें सजेस्ट करता है कि उस कोज को हम ऑब्जर्व करके उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मेरिट इज केस स्टडी कैन बी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडियाज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. जो केस स्टडी मेथड है ये एक प्रोडक्टिव सोर्स है जो कि मतलब हमारे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है आने वाले टाइम में, तो उन इन्वेस्टिगेशन में भी हमारे लिए एक आइडियल की तरह हेल्प कर सकता है, सोर्स ऑफ आइडियाज होता है कि हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को ऐसा ये रहा है और ये इन फ्यूचर अगर इसको ऐसा है तो ये इस कारण है, तो हम उसमें कॉज इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो इसलिए प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडियाज है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इसकी डीमेरिट्स. ठीक है. डीमेरिट्स क्या है, द मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन पर्संस आर कोऑपरेटिव. अब ऑब्वियस ही बात है हमें केस हिस्ट्री निकालनी है तो हमने उसके फैमिली मेंबर्स, उसके क्लोज वंस के थ्रू निकालनी है, टीचर्स हो गए, इंडिविजुअल हो गया, वो खुद हो गया, उसके दोस्त हो गए, उसकी फैमिली हो गई, उसके पेरेंट्स हो गए, तो जब तक ये जो इसका जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग का, यही पेरेंट्स, टीचर्स, जब तक ये लोग हमारे साथ कोऑपरेटिव नहीं होंगे हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने इन्हीं से पूछना है सारा कुछ, तो इसलिए ये जो मेथड है ये कोऑपरेटिव है. अगर कोऑपरेटिव नहीं होगा तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चनरीज इज नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज क्वेश्चन टू सूट द सिचुएशन. क्या कहा है कि जो क्वेश्चनरीज होते हैं इसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, लाइक हम एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से नहीं पूछ सकते बिकॉज उस सिचुएशन को सूट करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की, तो हम इसलिए इसमें क्वेश्चन चेंज नहीं कर पाते, ये भी इसका डीमेरिट है. नेक्स्ट इज सर्वे मेथड. सेकेंड लास्ट है ये हमारा. इसमें है दिस मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन और गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. कि जो ये मेथड है ये इन्वॉल्व करता है कलेक्शन और गैदरिंग. गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना इन्फॉर्मेशन का एक लार्ज स्केल पे, एक लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स के बीच में. ठीक है. तो दिस मेथड कैन बी कलेक्टेड बाय चेकलिस्ट. चेकलिस्ट होती है लाइक ऐसे बॉक्सेस होते हैं पेज पे गिवन जिसमें हमने ऐसे टिक रॉन करना होता है, तो चेकलिस्ट होती है ऐसे बॉक्सेस टाइप में जिसमें हम ऐसे टिक कर देते हैं, तो दिस मेथड कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग चेकलिस्ट. चेकलिस्ट का यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है अबाउट हेल्थ नीड्स, कि हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपको हेल्थ नीड्स है तो आपको इस चीज की नीड्स है, उस टिक्स पे आप चेकलिस्ट के थ्रू टिक मार सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हमारे पास इसकी मेरिट्स है वो है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम. इसके मेरिट था कि जो ये डाटा है ये लार्ज अमाउंट पे कलेक्ट हो सकता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हो सकता है बिकॉज इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एक साथ सर्वे किया जाता है.
डीमेरिट है कि जो ये सर्वे है इसमें हम किसी का भी बिहेवियर जो है उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, दैट मीन्स द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन वो आ जाता है मेथड, वो है जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल मेथड। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो ये मेथड है, साइकोलॉजिस्ट स्टडी नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम बट आल्सो हिज डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्या कहा गया है कि जो साइकोलॉजिस्ट है इस मेथड के अंदर, वो सिर्फ उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पर उसके सारी डेवलपमेंट जो बर्थ से लेकर डेथ तक हुई है वो सारी डेवलपमेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में इन्होंने कहा है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ अडल्ट, किसी अडल्ट का लर्निंग बिहेवियर कि वो कैसे 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 लर्न करना सीख रहा है, कैसे कैसे पढ़ना सीख रहा है, वो चीज़ वो एग्जाम्पल हो गया। द स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड स्टेज, और जो स्टडी है वो चाइल्डहुड स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, 4 साल के बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं इस अकॉर्डिंग, तो जो स्टडी है वो हमारी चाइल्डहुड उससे ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसका मेरिट्स क्या है कि दिस इज द मोर यूजफुल मेथड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, कि जो ये मेथड है ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल मेथड है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी के भी पेशेंट के हेरिडिटरी मतलब कि जेनेटिकल बेस पे और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बेस पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि उसका बिहेवियर कैसा है इस अकॉर्डिंग वो पता करने के लिए। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी, किसी को बर्थ से लेकर डेथ तक अगर हमें उसे ऑब्जर्व करना पड़ रहा है तो इसमें मैनी ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसमें जो टाइम है और जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए इसका जो डीमेरिट्स सबसे बड़ा यही है कि दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी। सो आज की वीडियो में इतना ही था, हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं हमारे 6 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, तो जल्दी समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो कि था, उसके अंदर हम उसका मतलब था कि टू नो विद इन, कि हमें अपने अंदर जांच के देखना है, इसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े हमने इसके। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके अंदर जो नर्स होती है वो टेम्परेचर पल्स वगैरह रेस्पिरेशन ये सब कुछ चेक करती है जो कि वाइटल साइंस होते हैं, और उनकी एक क्लिनिकल रिपोर्ट्स बनाती है जिसको हम बाद में फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जो हमारा थर्ड मेथड था एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसके अंदर हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है पुट टू टेस्ट, और इसके अंदर 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, कंट्रोल कंडीशंस में ये हो सकता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सकता है। कुछ मेरिट डीमेरिट्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा 4th क्लिनिकल मेथड्स के बारे में कि क्लिनिकल मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली वो पेशेंट की केस हिस्ट्री मेथड होते हैं जिसमें हम उसके चाइल्डहुड प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं, वो भी उसके क्लोज बोन्स उसके सराउंडिंग से। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वे मेथड, जो सर्वे मेथड था वो था हमारा कि एक लार्ज स्केल पे नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं उनके डाटा कलेक्ट करना चेकलिस्ट के थ्रू। इसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि हम एक ऑप्शन डाल सकते हैं अबाउट हेल्थ नीड्स का और उसके थ्रू उसका सर्वे निकाल सकते हैं। लास्ट था हमारा जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल मेथड, जिसके अंदर हमने बात की कि जो ये मेथड है इसमें बर्थ टू डेथ तक सारी डेवलपमेंट्स को पढ़ा जाता है, सिर्फ इसमें बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को नहीं रीड किया जाता। ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल है, हमें जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है इंडिविजुअल का। बट इसके डीमेरिट हमने ये पढ़ा है कि जो ये इसका डीमेरिट है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगता है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे स्पॉटेड, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।